नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जिस जीडीपी और अर्थव्यवस्था को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है और हर तरफ लोग केंद्र सरकार और मोदी की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है और देश और दुनिया के सभी आंकड़े भारत सरकार के विरुद्ध हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार आर्थिक मंदी से निपटने के लिए समुचित कदम उठा रही है और इसके परिणाम कुछ दिनों बाद दिखेंगे। लेकिन अर्थशास्त्री, विपक्ष और जनता सभी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, लोगों का रोजगार छिन रहा है। उद्योगपति भी सरकार की दबे मुंह आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार कुछ करो। इसी बीच देश के सबसे बड़े बैंक के चीफ ने भी अपनी बात रखी है और उनका भी कहना है कि आर्थिक मंदी खतरनाक रूप ले चुकी है। ऐसे में हम सभी को तैयार रहना चाहिए। इसी बीच सरकार को बड़ा सहारा मिला है। एक कहावत के अनुसार डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। तो आपने सुना ही होगा, आज मोदी सरकार को कुछ ऐसा ही सहारा मिला और जिसने दिया वो है पूर्व दिग्गज कांग्रेसी, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी। पूर्व राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मंदी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, देश में हालात कुछ खराब जरूर हुए हैं और इससे निपटने के लिए सरकार बेहतर उपाय कर रही है, जिसका फायदा कुछ दिनों बाद दिखेगा। आर्थिक मंदी पर सरकार के उपायों का पुरजोर समर्थन करते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि हमें थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। सरकार अपने स्तर से वो सब कुछ कर रही है जिससे मंदी से निपटा जा सके। कहा जा रहा है कि बैंकों में पैसा डालना ठीक नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि बैंकों को पैसे की सख्त जरूरत है और सरकार द्वारा बैंकों में पैसा डालना कुछ भी गलत नहीं है। यहां पर एक बात हम आपको बता दें कि ठीक इसी तरह 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई बैंक नहीं आया। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार के नीति आयोग की तारीफ करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि नीति आयोग भी अच्छा काम कर रहा है और मेरी भी कुछ नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व कांग्रेसी दिग्गज ने मोदी सरकार का समर्थन किया है और कहा है कि मोदी सरकार सही काम कर रही है। इस तरह कहा जा सकता है कि मोदी सरकार की नीतियों का कोई तो समर्थन कर रहा है और इससे सरकार को थोड़ा ही सही लेकिन बल जरूर मिला होगा।